स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में एक बार फिर इंदौर ने अपनी जीत दर्ज की है और इसी के साथ ही इंदौर ने अपनी हैट्रिक भी कंप्लीट कर ली है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे का वो रहस्य जो कि हर इंदौर वासी ने अपने योगदान से इंदौर की इस जीत में दिया है। जब भी सुबह कचरे की गाड़ी आती थी तो हर घर से महिला और पुरुष कचरे की गाड़ी में कचरा डालने के लिए अपना योगदान देते थे और यही है इंदौर की जीत का रहस्य। स्वच्छता में तीसरी बार पहले नंबर पर कैसे आया इंदौर? देवी अहिल्या की नगरी इंदौर को ये गौरव तीसरी बार मिला है कि उसे स्वच्छता में पूरे देश में नंबर वन पर चुना गया। आखिर क्या है इसका रहस्य? देश के सभी बड़े शहरों को पछाड़कर आखिर इंदौर पहले नंबर पर कैसे आ गया और एक नहीं तीन तीन बार? पूरे देश के लोग आज ये जानना चाहते हैं कि इंदौर की सफलता का रहस्य क्या है, ताकि इंदौर के रहस्य को जानकर वे भी अपने शहर को नंबर वन पर ला सके। और इस मिशन में हम एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सफल हुए हैं। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी सफाई कर्मी बंधु भगिनी और खासकर इंदौर की जनता जिन्होंने सहयोग किया और दिन रात मेहनत करके माननीय मोदी जी के सपने को हमने पूरा किया। पूरे भारत में 4,237 शहरों में हम इंदौर को नंबर वन बना पाए हैं तीसरी बार। ये बड़ा अचीवमेंट है। हमको 3 अवार्ड मिले हैं, 1 फाइव स्टार का मिला है, 1 इनोवेटिव जो सैयदना साहब आए थे वहां स्वच्छता का जो काम किया था उसके लिए मिला है, और 1 क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर को स्वच्छता का अवार्ड मिला है। पहली बार माननीय, आइए हम भी कोशिश करते हैं उन कारणों को जानने की जिसकी वजह से इंदौर पहले नंबर पर आया। इंदौर में सबसे आश्चर्यजनक कार्य ये हुआ कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का अभियान चलाया गया और इसके लिए एक नया प्रयोग तत्कालीन कमिश्नर मनीष सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने स्वच्छता की गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगवाए और उसमें एक गाना बजवाया। ये गाना धीरे धीरे जनता की आवाज बन गया। लोग जब इस गाने को सुनते तो कचरे की बाल्टी अपने घरों से लेकर बाहर निकलते और फिर गाड़ी आती और उसमें कचरा डाल देते। ये गाना था इंदौर बनेगा नंबर वन। शुरू शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना बहुत कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों का सहयोग मिलने लगा और लोग स्वेच्छा से अपने घर का सारा कचरा इन गाड़ियों को देने लगे। इसके बाद ये अभियान चला कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कर दिया जाए। लोगों ने इसमें भी सहयोग किया। उन्होंने अपने घरों में 2 कचरा बॉक्स रखना शुरू कर दिए, एक में सूखा कचरा डालते तो दूसरे में गीला। इसका नतीजा ये हुआ कि गीले कचरे से खाद बनने में मदद मिलने लगी। इस तरह से इंदौर कचरे के खाद बनाने वाला देश का एक प्रमुख शहर बन गया। एक और प्रयोग किया गया 3R, यानी सबसे पहले कचरे का 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज ये सिद्धांत लागू किया गया। इसमें रोज निकलने वाले 1,112 टन कचरे में से 150 टन प्रतिदिन कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया और आश्चर्य बात ये रही कि इसमें भारी सफलता मिली। इसके बाद महापौर मालिनी गोड़ और तत्काल कमिश्नर मनीष सिंह की पहल पर आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए गए। घर और बाजारों से कचरा इकट्ठा होता था, उसे ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए इंदौर के 12 स्थानों पर आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए गए और इसमें इतनी अधिक सफाई रहती थी कि देखते ही बनता था। ये कचरा ट्रांसफर स्टेशन है या कोई साफ सुथरी जगह?
नगर निगम द्वारा एक और प्रयोग ये शुरू किया गया, इंदौर को डिस्पोजल फ्री बनाया जाए। इसका भी अच्छा परिणाम सामने आया। 56 दुकान सराफा सहित अनेक बाजारों में खाद्य सामग्री स्टील और मिट्टी के बर्तन में दी जाने लगी और चाय के स्टॉल पर प्लास्टिक के ग्लास का चलन बंद हो गया। इसकी जगह पुरानी चीनी के ग्लास फिर से लौट आए। इसमें भी कचरा समेटने में बहुत मदद मिली। 2018 में ही शहर विकास मंत्रालय द्वारा एक स्कीम घोषित की गई। इसमें ऑडी फ्री प्लस और ऑडी फ्री डबल प्लस की श्रेणियां बनाई गई। इंदौर ने इस चुनौती को समझा और इस पर अमल करके दिखा दिया। इंदौर नगर निगम की एक उपलब्धि ये रही, इंदौर का प्रसिद्ध ट्रेचिंग ग्राउंड जहां 40 साल से 11 लाख टन से भी ज़्यादा कचरा फैला था और जो पूरे इलाके में इस रूप में बदनाम था कि यहां से गुजरने पर गंदगी का सामना तो करना ही पड़ेगा, उस स्थान को नगर निगम ने एक शानदार गार्डन के रूप में विकसित कर दिया और नगर निगम इंदौर के इस काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। शहर को कचरा मुक्त करने का अभियान यहां तक ही नहीं रुका। इसके बाद चोइथराम मंडी में 2018 में देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट ने न केवल खाद बनाने में मदद की बल्कि चोइथराम मंडी से सब्जी का जो वेस्टेज मटेरियल निकलता था उसका भी हल होने लगा, यानी उस कचरे से खाद बनने लगी। स्वच्छता के बाद एक सवाल सबसे बड़ा ये भी था कि इंदौर को अब सुंदर कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए नगर निगम के कमिश्नर आशीष सिंह और मेयर मालिनी गौड़ द्वारा एक अनूठा प्रयोग किया गया। उन्होंने शहर की तमाम बड़ी दीवारों पर सुंदर और आकर्षक चित्र बनवाए। इन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो हम किसी नए शहर में आ गए हैं। सबके सामने प्रयास का नतीजा है इंदौर नंबर वन। हमारे जामा आयुक्त आशीष सिंह जी भी हमारे बीच में बता रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इंदौर पूरी तरह से बदलता हुआ दिखने लगा। नगर निगम इंदौर के खाते में एक उपलब्धि ये भी गई थी कि इंदौर में मशीनों से सफाई होने लगी। जी हाँ, सुबह सुबह मशीनें सड़कों की सफाई करते हुए दिखने लगी और ये सिलसिला रात को भी चलता रहा। इस तरह मशीनों के माध्यम से भी सफाई शुरू करवा दी गई। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।